भारत भूटान सीमांत स्थित जयगांव शहर के सुपरमार्केट चौक में आगामी 13 अप्रैल को शहीद मेजर दुर्गा मल की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को समाज कल्याण संघ के गोरखा भवन में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में दी गई। संघ की सचिव शांति प्रधान की अध्यक्षता में संचालित इस सम्मेलन में अध्यक्ष जीवन गुरु, मुख्य सलाहकार शंकरनाथ प्रधान, केवी दियाली, चंदन विश्वकर्मा, निर्माण समिति कोऑर्डिनेटर कमल प्रधान आदि उपस्थित थे। उन्होंने बताया आगामी 13 अप्रैल को शहीद मेजर दुर्गा मल की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया जाएगा एक कार्यक्रम के माध्यम से। वह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अलीपुर द्वार जिला परिषद सभाधिपति मोहन शर्मा होंगे। वरिष्ठ अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद से लेकर भूटान अधिकारी उपस्थित रहेंगे। उद्देश्य इसमें सिंपल है, जैसे कि आज एक आपका एक जो जिसने अपना प्राण का आहुति दे करके भारत का स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, ऐसे बहुत असंख्य लोग हैं जो लाइमलाइट में नहीं आए, लेकिन अगर उनको देखा जाए, अगर खोजा जाए स्टेट वाइज, तो वहाँ पर मिलता है ऐसा बहुत सा बलिदानी जिसने अपना अपने आप को कुर्बान किया है देश के, भारत माता के स्वतंत्रता के लिए। तो इसी तरह से हमारे जो जिसके हम लोग शालिग अनावरण करने जा रहे हैं, निर्माण करके अनावरण करने जा रहे हैं, शहीद दुर्गा मल्ला, वो बिलोंग करते थे आपका वर्तमान उत्तराखंड से, डोई वाला गांव में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश आर्मी, इंडियन ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने के पहले, जब उनका उम्र 9 साल था, तब से ही उनका मन में एक आज़ादी के लिए एक साहस था, क्योंकि उनका संगत उस समय तत्कालीन जो फ्रीडम फाइटर्स थे उत्तराखंड के, विशेष करके आपका देहरादून साइड के जो सीनियर्स लोग थे, उनके साथ में उनका संपर्क था और वो चाहते थे कि भारत आज़ाद हो, जिसके लिए वो जब क्लास 8 में पढ़ रहे थे उस समय से उन्होंने उनके साथ में मिलकर तत्कालीन ब्रिटिश कैंप में जा करके आर्मी, ब्रिटिश आर्मी कैंप में जा करके पोस्टरिंग करना, पर्चा बांटना, ये सब कुछ उन्होंने करते करते देश के प्रति उनका एक जो देश के स्वाधीनता के प्रति जो लगाव उत्पन्न हुआ, उसी के परिणाम स्वरूप बाद में उन्होंने जब इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था, उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद उनको उनका जब प्लाटून जब आपका उसमें था सिंगापुर में जब था, उस समय ये जो प्लाटून है उनका, ये लोग विद्रोह करके इंडियन नेशनल आर्मी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज जो गठन हुआ था, उसमें वो लोग सारे शामिल हो गए थे और भारत को आज़ाद करने के लिए नेताजी के नेतृत्व में उन्होंने संग्राम किया था। और उसी दौरान उनका ब्रिटिश फौज ने उन लोग को पकड़ा था, पकड़ने के बाद उनको ऊपर में दिल्ली में ला करके उनको ऊपर मुकदमा चला। इंटरेस्टिंग बात है कि मुकदमा में उनको ब्रिटिश की तरफ से उनको प्रलोभन दिया गया कि अगर आप ये कहते हो कि मुझे भारत के ब्रिटिश इंडिया के विरोध में आंदोलन करने के लिए हमको मजबूर किया गया, ऐसा अगर आप लिखित में देते हो तो हम जो है तुम्हारे सारे माफी सारे सजा को माफ़ कर देंगे। उनको ऑलरेडी तत्कालीन कोर्ट ने जो है फांसी की सज़ा सुना दिया था। उस परिस्थिति में उन्होंने जो है इसको स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि मुझे मरना पसंद है लेकिन मैं ऐसा बात नहीं कह सकता, मेरा जो स्वेच्छा से मैं भारत माता की आज़ादी के लिए मैंने ये काम किया है, किसी ने मुझे प्ररोच नहीं किया। तो इस तरह से अडिग रह करके उनको बाद में और प्रलोभन दिया गया, उनका श्रीमती, उनका जो मिसेस, जिससे उनका विवाह आफ्टर मैरिज 3 दिन के अंदर अंदर उनको बैटल फील्ड में जाना पड़ा था, उन्होंने अपने पत्नी के साथ सिर्फ 3 दिन गुजारा था। तो वो पत्नी को ला के खड़ा किया ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने उनके सामने, ताकि उनके परिवार को देख करके हो सकता है कि वो कमज़ोर पड़ जाए। तो उसने उस समय अपने पत्नी को कहा
कि तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने देश के लिए बलिदान दे रहा हूँ, लेकिन तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भारत बहुत जल्दी आज़ाद होगा, ये समय की खाली बात है। और मैं मृत्यु के ग्रास में चला जाने के बावजूद सारे जो कोटि कोटि भारतवासी हैं वो तुम्हारे साथ होंगे, इसीलिए तुम घबराना नहीं। इस तरह का बात बोल करके उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना प्राण को बलिदान दिया और 25 अगस्त 1944 को उनको फांसी पर लटकाया गया। तो ऐसे ऐसे बलिदानी बहुत हैं जिनको आज हम लोग को परिचय कराने की आवश्यकता है कि भारत देश को आज़ादी के लिए हर धर्म के लोग, हर भाषा के लोग, हर स्टेट के लोग, हर संप्रदाय के लोगों ने अपना बलिदान दिया है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो इस क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी और भी जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स है उनका मूर्ति स्थापित हो, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर के हमारे जो भावी प्रजन्म है उनमें एक भावना उत्पन्न हो कि सब ने कुर्बानी देकर के भारत को आज़ाद किया है और इसको एकता रखने के लिए, शांति रखने के लिए हम सभी को एक साथ मिल कर रहना पड़ेगा। ये संदेश हम लोग देना चाहते हैं इसके माध्यम से। इनका प्रतिमा सबसे अहम बात है कि इनका जन्म स्थान डोईवाला में और आपका हिमाचल प्रदेश में, उसके अलावा आपका उत्तराखंड में कई जगह पर उनका छोटा छोटा प्रतिमा उनके आफ्टर इंडिपेंडेंस लगाना शुरू हो गया था, लेकिन 2004 में पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से पार्लियामेंट के जो गेट है जहां पर हमारे जो वीर सपूत हैं भारतवर्ष के विभिन्न फील्ड के वीर सपूतों हैं उनका मूर्ति का जो लगा हुआ है विभिन्न गेट में, उसी में पार्लियामेंट के 5 नंबर गेट के सामने में शहीद दुर्गा मल्ला का कांस्य प्रतिमा 2004 में स्थापित किया गया, जिसको तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी और उपाध्यक्ष भैरव सिंह शेखावत की उपस्थिति में भव्य रूप से उनका अनावरण किया गया था। उसके बाद 2014 में शायद 14-13 में एक हैमिल्टनगंज जाते वक्त जो फॉरवर्ड नगर है कालचीनी के फॉरवर्ड नगर हैमिल्टनगंज के, वहाँ पर भी एक मूर्ति लगाया गया है फाइबर का। उसके अलावा सिलीगुड़ी में भी है और जयगांव में हम लोग लगाने जा रहे हैं।